हे गाइस, स्वागत है आपका गेमिंग ब्लॉग्स के एक और नए एपिसोड के अंदर। सो गाइस, आज का जो हमारा एपिसोड होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे कि आपको थंबनेल और टाइटल से पता लगी क्या होगा कि आज का हमारा एपिसोड किस टॉपिक पे होने वाला है। जी हाँ, आज मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 10 PlayStation 4 के गेम जो आप ऑल टाइम खेल सकते हैं, और ये गेम कुछ मेरी फेवरेट भी है और मैंने ये लिस्ट बना दी है। और गाइज, क्या है कि जो ये मैंने लिस्ट बनाई है ये मेरी खुद की, मतलब जो भी मेरे को पसंद है और जो मेरे ओपिनियन है, मेरे ओपिनियन से जो भी मुझे लगता है कि 10वें नंबर पे और कौन सी पहले नंबर पे होनी चाहिए, ये मेरा खुद का ओपिनियन है। शायद आपका जो ओपिनियन वो अलग हो सकता है, बट ये मेरा ओपिनियन है। आपका क्या ओपिनियन है वो मेरे को आप कमेंट में भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैंने कुछ गेम्स निकाल दी है जैसे कि आपको दिखाई दे रही होगी। तो चलिए फिर मैं आपको ये साइड में रख देता हूँ और वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और गाइज, एक बात और मैं बता दूँ कि कुछ गेम तो मेरे पास है जैसे कि आपको दिखाई दे रही होगी, और कुछ गेम मेरे पास नहीं भी है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। और गाइज, मैं इसके वीडियो के अंदर मैं आपको जो गेम है मैं बताने वाला हूँ कि प्राइस आपको कि कितने की आपको लेनी चाहिए। मैं आपको प्राइस बताऊँगा प्री ऑन के और यूज के, कि आप अगर मार्केट में लेने जाओगे तो आपको कितने की लेनी चाहिए। और गाइज, मैं इसके अंदर पूरी गेम की एक्सप्लेनेशन नहीं करने वाला, सिर्फ और सिर्फ आपको जो टाइटल है वो कब रिलीज हुआ था और गेम मतलब कौन सी कैटेगरी की है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए गाइज, अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं जल्दी से जल्दी। और गाइज, अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले, जो कि मैं बोलता ही रहता हूँ। तो जाइए और सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से जल्दी, और हमारे ब्लॉग्स वगैरह भी सब देखते रहिए। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरे माइंड में थॉट क्यों आ गया कि इस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि गाइज जब भी मैं बाहर ब्लॉग शूट करने जाता हूँ ना, तो मेरे को ना जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो हमको मिलते हैं, और वो कुछ कोई कोई होता है कि नए मतलब PS4 लेता है, और कोई मतलब बहुत टाइम से गेम खेल रहा है बट उसे नहीं पता कि मुझे कौन सी गेम खेलनी चाहिए, और जो नया यूज़र है PlayStation 4 का और उसको भी नहीं पता कि मुझे कौन सी गेम खेलनी चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना यार ये एक जो एपिसोड है इसके अंदर मैं कवर अप कर दूँ ये वाला पॉइंट। और गाइस, जैसे कि मैं PS4 खेल रहा था अभी, तो मैं जैसे ही मतलब PS4 गेम खेल के हटा तो मेरे को लगा कि भाई चलो आज वीडियो बना ही देते हैं आपके लिए। तो गाइस, सबसे पहले जो मैं 10वें नंबर पर आपको गेम बताने वाला हूँ, उस गेम का नाम है होराइजन जीरो डाउन। तो गाइस, मैं बता दूँ आपको, जैसे कि गाइज आप देख सकते हैं होराइजन जीरो डाउन, ये जो गेम आई थी ये 2017 के अंदर आई थी, और ये गेम गाइज बहुत ही बढ़िया है। और मतलब जो हमारी प्रोटैगनिस्ट है इसके अंदर वो एक लड़की है। तो गेम आप खेल लेना, आपको पता लग जाएगा कि गेम कैसी है। मैं आपको बता रहा हूँ गेम बहुत ही ज़्यादा एक्शन एडवेंचर है, आपको इसके अंदर बड़े बड़े ड्रैगन वगैरह से लड़ाई करनी पड़ेगी, तो आप इस गेम को प्ले कर सकते हो, ये मस्ट प्ले गेम है। और गाइज, इसका प्राइस मैं बता दूँ, अगर आप कहीं पर मार्केट में लेने जाओगे मतलब यूज के अंदर, तो आपको ये कितने की पड़ने वाली है, तो गाइज ये आपको पड़ने वाली है सिर्फ और सिर्फ 300 से 400 रुपए के अकॉर्डिंग। तो आप थोड़ा मतलब देख लेना और थोड़ी मतलब प्राइस ऊपर नीचे करवा लेना। तो जैसे कि वो 400 बोले तो आप 300 में ले लेना, अगर वो 300 बोले तो आप 200 रुपए तक की मतलब CD की कंडीशन भी देख लेना कि ये डिस्क की कंडीशन क्या है। स्क्रैच लेस है तो आप 400 रुपए में भी ले सकते हो, अगर थोड़े बहुत स्क्रैच वगैरह हैं तो आप 300-200 रुपए में भी ले सकते हो। तो ये गाइज आप देख सकते हैं गेम होराइजन जीरो डाउन, बहुत ही बढ़िया गेम है, तो जाइए और ज़रूर खेलें। तो गाइज, इस गेम को तो हम साइड में रख देते हैं। तो गाइज, अब बात करते हैं हम अपनी 9वीं गेम के बारे में कि हमारे 9वें नंबर पे गेम कौन सी होने वाली है। तो चलिए फिर मैं आपको 9वीं गेम दिखाता हूँ। तो गाइज, जो हमारे 9वें नंबर पे गेम है ये आपको दिखाई दी गई होगी, स्पाइडरमैन मार्वल स्पाइडरमैन। तो गाइज, ये जो गेम है ये भी बहुत ही ज़्यादा एक्शन एडवेंचर गेम है, और इस गेम के बारे में आपको बता दूँ कि जैसे अभी तक आपने बहुत गेम खेली होगी स्पाइडरमैन की, तो कोई जो भी गेम आपने खेली होगी उसकी जो स्टोरी है मतलब या तो कोई मूवी से होती है, कॉमिक से या कहीं से भी ली हुई होती है, बट इसकी जो स्टोरी है ना तो कहीं मूवी से है ना किसी कॉमिक से, इसकी स्टोरी एक अलग ही लाइन पे चल रही है। और जो ड्रैगन वगैरह इसके अंदर जो भी बॉस वगैरह आते हैं वो भी एकदम अलग अलग आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो गाइज, ये वाली गेम भी आप खेल सकते हैं अगर आपने अभी तक कोई भी स्पाइडरमैन की गेम नहीं खेली और आप सोच रहे हैं कि मुझे स्पाइडरमैन की कोई गेम खेलनी है, तो गाइज मस्ट प्ले। तो जल्दी जाइए और इस गेम को भी आप खेल सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये गेम कौन से सन में आई थी, और आप अगर यूज में लेने की सोच रहे हैं तो आपको ये कितने तक की मिलने वाली है। तो गाइज, ये आई थी 2018 के अंदर,
और गाइस इसका प्राइस मैं बता दूं तो इसके प्राइस होंगे 500 से 600 रुपए तक के अकॉर्डिंग आपको ये मिल जाएगी। तो आप थोड़ी कंडीशन देख लेना कि सीडी की कंडीशन क्या है, स्क्रैच वगैरह लगे हैं तो आप 500 रुपए में भी ले सकते हैं। अगर बिल्कुल क्लीन सीडी है तो आप उसको 600 रुपए में भी ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं नई गेम लेना तो आप नई भी ले सकते हैं, इसका एक एडिशन भी आता है तो आप वो भी ले सकते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पे कई जो हमारे सब्सक्राइबर होंगे वो कह रहे होंगे कि भैया आप माइल्स मोरेल्स के बारे में क्यों बात नहीं कर रहे। तो गाइस वो अभी मतलब थोड़े टाइम पहले ही आई थी और मैंने यहाँ पे बात करने की सोचे कि ऑल टाइम प्ले, तो ऑल टाइम प्ले के अंदर ये कुछ पहले की गेमें आती है जो आपको ईजिली मतलब यूज के अंदर और चीप इस प्राइस में मिल जाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना यार इन्हीं गेम को मैं कवर अप कर लूँ। तो गाइज आपके लिए ये मार्वल स्पाइडरमैन बहुत ही बेस्ट है, तो जाइए और खेलिए। तो गाइज अब बात करते हैं हम अपने आठवें नंबर की गेम की, हमारे जो आठवें नंबर पे गेम होने वाली है वो कौन से होने वाले है। तो चलिए फिर देखते हैं और थोड़ा गैस कीजिए और कमेंट कीजिए कि आठवें नंबर पे गेम हमारी कौन सी होने वाली है, और थोड़े मैं बाल वगैरह भी सही कर लूँ। तो गाइस जो हमारे आठवें नंबर पे गेम होने वाली है वो मेरे पास फिजिकली तो नहीं है, बट मैं उसको उसके बारे में आपको डिजिटली बता देता हूँ। और जो भी मैं गेम बता रहा हूँ आपको मतलब जो उसकी वीडियोस है वो भी चलती हुई दिखाई दे रही होगी, तो इसकी भी मैं आपको दिखा देता हूँ वीडियो। तो गाइस इसका नाम है टॉम राइज ऑफ द टॉम राइडर। तो गाइज ये जो गेम है ये भी बहुत ही ज़्यादा एक्शन एडवेंचर गेम है। आई थिंक आपने एक्सबॉक्स और PS3 के अंदर इससे पहले जो कंसोल है PS4 से पहले उसके अंदर तो खेली होगी। और गाइज अगर आप चाहते हैं PS4 के अंदर भी इस गेम को खेलना तो आप खेल सकते हैं। जो इसका पार्ट है वो आया था राइज ऑफ द टॉम राइडर का, और ये गेम आई थी 2016 के अंदर। और गाइज ये जो गेम है इसके अंदर जो हमारी प्रोटैगनिस्ट होती है वो एक लड़की होती है, जैसे कि आपने जो भी पहले के पार्ट देखे होंगे टॉम राइडर के, तो उसके अंदर शुरू से ही लड़की आ रही है। तो गाइज आप ये वाली गेम भी खेल सकते हैं, मस्ट प्ले कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर हम प्री ओन में कहीं मार्केट से लेने की सोच रहे हैं या हम OLX से लें हमको ये कितने तक की लेनी चाहिए। तो गाइज इसका जो प्राइस आता है वो आता है 600 से 700 रुपये के अकॉर्डिंग। वही मैं आपको कह रहा हूँ कि आप CD देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि उसके ना स्क्रैच लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए। अगर नहीं लगे हुए तो आप 700 रुपये 600 रुपये में भी ले सकते हैं। अगर कहीं पे स्क्रैच वगैरह आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप उनको दिखा के और वो 500-400 रुपये में भी ले सकते हैं। तो गाइस जाइए और मस्ट प्ले कीजिए राइज ऑफ द टॉम राइडर। अब बात कर लेते हैं हमारी सातवें नंबर की गेम की, हमारी जो सातवें नंबर पे गेम है वो हमको कौन सी होने वाली है। तो ज़रा गैस कीजिए कि सातवें नंबर पे गेम कौन सी होने वाली है। तो गाइज उस गेम के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बता भी देता हूँ कि गाइज वो जो गेम है ना वो एक्शन का भंडार है, उस गेम के अंदर एक्शन का भंडार है उसके अंदर। उसके तीन पार्ट पहले भी आ चुके हैं और इसका चौथा पार्ट और एक पार्ट और आया था। तो चलिए फिर मैं आपको ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं आपको दिखाई देता हूँ कि वो कौन सी वाली गेम है। सो गाइज ये आप देख सकते हैं मेरी और आपकी फेवरेट गेम अनचार्टेड। तो गाइज ये जो अनचार्टेड 4 है इसको तो मैं मतलब सातवें नंबर पे रखता ही रखता हूँ, बट उसके साथ साथ मैं इन तीन पार्ट को भी रखता हूँ, जैसे कि आपको दिखाई दे रही होगी। ये जो पहले जो PS3 के अंदर पार्ट आए थे और इसका एक पार्ट और आया था PS4 के अंदर, अनचार्टेड लॉस्ट ऑफ लेगेसी। तो गाइज अब बात कर लेते हैं कि मैंने इन तीन पार्टों को क्यों सातवें नंबर पे रखा। तो ये मैं आपको बताया था कि गाइज ये जो गेम है ना ये बहुत ही बढ़िया गेम है एक्शन एडवेंचर के अंदर। अगर आपने कोई भी इसका एक भी पार्ट खेल लिया ना, या जिसने भी खेल रखा होगा उसे पता होगा कि ये गेम कितनी मतलब बढ़िया गेम है। और एक्शन के अंदर तो भाई गोली बारूद लड़ाई झगड़ा मतलब बहुत ही बढ़िया गेम है, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं। अगर आपने PS3 के अंदर, जैसे ये जो तीन पार्ट है ये PS3 के अंदर आए थे, बट अगर आपने नहीं खेल रखे तो आप इसको PS4 के अंदर भी खेल सकते हैं। जैसे ये कॉस्ट करेगा 400 से 500 रुपए के अंदर, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ये ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अनचार्टेड 4 की। तो गाइस जो अनचार्टेड 4 है हमारी वो आई थी 2016 के अंदर। और गाइस अगर हम इसकी बात करें कि अगर हमें लेनी है मतलब प्री ओन या यूज के अंदर OLX या किसी शॉप ओनर से, तो ये हम कितने की ले सकते हैं, तो इसकी बात मैं बता दूं आपको, ये आपको कॉस्ट करेगी 500 से 600 रुपए के अंदर। अगर आप सोच रहे हैं एक मतलब एक्शन एडवेंचर गेम, तो गाइस अब ये वाली बहुत ही बढ़िया गेम है, आप खेल सकते हैं और जाइए मस्ट प्ले कीजिए इस वाली गेम को भी और इस वाली गेम को भी। अब लॉस्ट ऑफ लेगेसी के बारे में मैं आपको बता दूं, तो गाइस लॉस्ट ऑफ लेगेसी जो हमारी गेम है इसके अंदर मतलब हमारी जो प्रोटैगनिस्ट होने वाली है वही मतलब लड़की होने वाली है, और जो हमारी 4 है इसके अंदर हमारा नेथन ड्रेक आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है गाइस,
तो आप जाइए ये वाली गेम भी खेल सकते हैं। इसका प्राइस मेरे को अभी थोड़ा पता नहीं है, तो आप देख लेना, तो जाके मस्ट प्ले कीजिए अनचार्टेड की पूरी सीरीज खेलिए। ठीक है गाइज, अब इसकी तो बात हो गई है, अब बात कर लेते हैं हमारे छठे नंबर पे कि जो हमारी छठे नंबर पे गेम होने वाली है वो कौन सी होने वाली है। तो गाइज जो हमारे छठे नंबर पे गेम होने वाली है वो होने वाली है रेजिडेंट ईविल 2। तो गाइज जो रेजिडेंट ईविल 2 है वो आई थी मतलब वो PS1 के अंदर गेम आई थी, बट उसका रीमेक किया गया था PS4 के अंदर, जो अपग्रेड किए गए थे ग्राफिक्स वगैरह। तो आप वो वाली गेम भी खेल सकते हैं जिनका जोन रहा है कि मतलब मुझे ज़ॉम्बीज वगैरह मारने हैं, तो वो वाली गेम जरूर प्ले कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है, जिसने रेजिडेंट ईविल 4 खेल रखी होगी, लियोन कैनेडीज उसके अंदर हमारा प्रोटैगनिस्ट है, तो उसी इस गेम के अंदर भी हमको लियोन कैनेडीज के साथ ही खेलने को मिलने वाला है। और गाइज मैं इस गेम की बात कर लेता हूँ कि ये गेम कब आई थी। तो गाइज ये अभी 2019 के अंदर आई थी, और अगर बात करें कि अगर हमें कहीं पे मतलब प्री ओन में या यूज में कहीं लेनी है तो हम ये कितने तक की ले सकते हैं, तो गाइज ये आपको मिलने वाली है 800 रुपये की। जी हाँ गाइज, इसके थोड़े प्राइस थोड़े ऊपर जाते हैं, क्योंकि गाइज अब बहुत ही अच्छी गेम है, और आपको पता होगा कि जैसे किसी ने खेल रखी होगी रेजिडेंट ईविल 4, तो उसे पता होगा कि लियोन कैनेडी के साथ खेलने में कितना मजा आता है, मतलब भूतों को मारने के अंदर। तो गाइज इसलिए इसके थोड़े प्राइस इंक्रीज हैं, तो इसलिए आप ये वाली गेम भी खेल सकते हैं जिनको ज़ॉम्बीज वगैरह मारने हैं, तो आप ये वाली गेम भी खेल सकते हैं। अभी तो मेरे पास मतलब फिजिकली नहीं है, मैं डिजिटली आपको दिखा रहा हूँ, तो आप जाइए और इस वाली गेम को भी खेलिए। ठीक है गाइज, तो अब बात करते हैं हम अपने पाँचवें नंबर पर कि हमारे जो पाँचवें नंबर पर गेम होने वाली है वो कौन सी होने वाली है। तो चलिए फिर पाँचवें नंबर की गेम आपको दिखाते हैं। तो गाइज जो हमारे पाँचवें नंबर की गेम है वो बहुत ही अच्छी गेम है, और गाइज उसका जो अभी एक मतलब सीक्वल पार्ट भी आने वाला है, तो आप थोड़ा गैस करिए कि मैं कौन सी गेम की बात करने वाला हूँ। जैसे कि आपने स्टेट ऑफ प्ले के अंदर उसका एक सीक्वल पार्ट का ट्रेलर देखा ही होगा, और गाइज थोड़ा बात मतलब गैस कीजिए कि मैं कौन सी गेम की बात करने वाला हूँ जिसके अंदर हमको तलवार चलाने को मिलने वाली है। तो गाइज वो गेम है हमारी और आपकी फेवरेट गेम, गॉड ऑफ वॉर। तो गाइज ये गॉड ऑफ वॉर 2018 वाली है, तो गाइज जैसे कि आप देख सकते हैं गॉड ऑफ वॉर 2018 की। तो गाइज ये जो गेम है इसके अंदर आपको मतलब बहुत ही अच्छी गेम है, मैं इस गेम के बारे में क्या ही बताऊं। जिसने मतलब पहले 1, 2, पार्ट 3 खेल रखी होगी उसे पता होगा कि गॉड ऑफ वॉर की गेम भाई कितनी अच्छी होती है। मतलब जो इसके अंदर जैसे आपने देखे होंगे कि तलवार चलाने का मतलब जो मिस्ट्री सॉल्व करने की मतलब कितनी अच्छी तरीके से और कितनी बढ़िया इसके ग्राफिक्स हैं, जैसे कि आपने देख रखा होगा, जिन्होंने खेल रखी उन्हें तो पता ही है। अगर आपने नहीं खेली तो आप इसे गेम को मस्ट प्ले कीजिए, और आपको बता दूं कि इसका एक सीक्वल पार्ट भी आ रहा है गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक। तो गाइज अगर आपने अभी तक गॉड ऑफ वॉर नहीं खेली 2018 वाली, तो आप जाइए और इस गेम को खेलें। और गाइज अब इसका प्राइस मैं बता देता हूँ कि ये जो प्राइस क्या है कि इसके प्राइस अभी बहुत ज़्यादा डाउन चल रहे हैं, जैसे कि आप अगर लेने की सोच रहे हैं तो ये आपको 400 से 500 रुपए तक की मिलने वाले। जी हाँ गाइज 400 से 500 रुपए में आपको ये गेम मिल जाएगी, और अगर आपने जो इसके पहले पार्ट है 1, 2, 3 वो नहीं खेल रखे तो गाइज वो भी आप खेल सकते हैं, वो भी आपको PS4 स्टोर पर मिल जाएंगे प्ले स्टेशन की, तो आप वो भी जाके खेल सकते हैं। तो जाइए गाइज प्ले कीजिए गॉड ऑफ वॉर ये वाली, और फिर उसके बाद प्ले कीजिए गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक जो जल्दी आने वाली है। ठीक है गाइज ये तो बात हो गई हमारी गॉड ऑफ वॉर की बात हो गई, अब बात करते हैं हम चौथे नंबर पे, जो हमारे चौथे नंबर पे गेम होने वाली है उसकी बात करते हैं जल्दी से जल्दी। सो गाइज जो हमारे चौथे नंबर पे जो गेम होने वाली है वो गाइज मतलब थर्ड पर्सन शूटर गेम होने वाली है, और गाइज उसके अंदर मैं आपको बता दूं आपको ज़ॉम्बीज से भी लड़ना है, मतलब एक अपना कैंपेन भी बनाना है अपनी, मतलब देख के चलना कि कैसे कैसे मुझे आगे कदम बढ़ाना है। तो गाइज ये जो गेम है वो मैं आपको बता दूं डेज गोन। तो गाइज जो डेज गोन गेम है ये भी बहुत ही बढ़िया गेम है, और गाइज ये जो गेम आई थी ये 2019 के अंदर आई थी, जब इसकी लॉन्चिंग वगैरह हुई थी तो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक जो हमारे गेमर है उनके अंदर एक बहुत ही क्यूरियोसिटी थी कि गाइज जल्दी से जल्दी सीडी को ग्रैब करें, गेम को ग्रैब करें और प्ले करें। और गाइज इस गेम के बारे में बता दूं कि इस गेम का जो हमारा प्रोटैगनिस्ट होने वाला है इस गेम का, तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये हैंडसम सा बंदा होने वाला है, और गाइज इसकी बाइक भी बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव है, जब आप गेम खेलोगे तो मतलब बाइक पे जाके आप भी शूटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो इस गेम की थोड़ी स्टोरी बता दूं, इस गेम के अंदर एक वायरस होता है जो आउटब्रेक हो जाता है, और कुछ जो लोग होते हैं पब्लिक होती है
उसको जॉम्बीज में कन्वर्ट कर देता है, और कुछ लोग होते हैं वो मतलब उन जॉम्बीज की पूजा वगैरह भी करते हैं और कुछ उन जॉम्बीज से बचना भी चाहते हैं। अगर कोई जॉम्बी उनके सामने आ जाता तो वो जो रिपर्स होते हैं, रिपर्स उनका नाम होता है, तो वो अपने आप को उनके आगे समर्पित कर देते हैं। और जो मतलब जो पब्लिक कैंपिंग बना के रह रही है और जॉम्बीज उनके सामने आ गए तो जॉम्बीज वगैरह उन्हें कच्चा खा जाते हैं। जी हाँ गाइस, कच्चा खा जाते हैं। और जो रिपर्स होते हैं वो जो नॉर्मल पब्लिक है उन्हें टॉर्चर वगैरह भी करती है। तो गाइस जाइए, आप इस गेम को खेलिए, जल्दी से जल्दी मस्ट प्ले कीजिए। इस गेम का मैं बता दूं आपको, ये गेम 2019 के अंदर रिलीज़ हुई थी और इसका प्राइस है, आप अगर लेने की सोचें तो ये आपको 700 से 500 रुपए के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। मैं यूज़ वाले की प्राइस बता रहा हूँ, ना कि मैं मतलब नई के प्राइस बता रहा हूँ। तो गाइज यूज़ के मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ, और आपने थोड़ी वीडियोज़ वगैरह भी देख ली होगी तो आपको आइडिया लग गया होगा कितनी अच्छी गेम है। तो जाइए और खेलिए। और इसमें ना ज़ॉम्बीज ना एक एक नहीं आते भाई, भंडार आता है ज़ॉम्बीज का, जो आप बच नहीं पाओगे। तो जो बंदा ज़ॉम्बीज को मारने में एक्सपर्ट है, मतलब शूटर गेम में एक्सपर्ट है, वो इस गेम को खेले, ठीक है ना गाइस। वैसे खेल सकते हैं, आपकी चॉइस है, तो आप जाके मस्ट प्ले कीजिए। कौन सी? डेज गोन। तो अब बात करते हैं हम तीसरे नंबर की गेम की, हमारी जो तीसरे नंबर पे गेम होने वाली है वो कौन सी होने वाली है। तो गाइस वो मेरे पास फिजिकली तो नहीं है, वैसे PS3 के अंदर फिजिकली है, मैं आज भी उस गेम को खेलता हूँ और मेरी वन ऑफ द बेस्ट मतलब फेवरेट गेमों में आती है वो, जैसे कि मैंने इसके अंदर भी लिस्ट के अंदर भी रखा है और आपको पोस्टर भी दिखाई दे रहा है वो टू पार्ट का है। तो आपको मैं बता दूँ जो हमारी तीसरे नंबर पे गेम होने वाली है वो होने वाली है कौन सी? द लास्ट ऑफ अस। तो गाइस लास्ट ऑफ अस वन पार्ट, मैं मतलब टू पार्ट की नहीं बात कर रहा, लास्ट ऑफ अस वन पार्ट की बात कर रहा हूँ। तो गाइस जो लास्ट ऑफ अस वन पार्ट है गाइस, वो बहुत ही अच्छी गेम है, और उसके वो भी 30% शूटर गेम है, और उसकी जो स्टोरी है वो कुछ मतलब इमोशनल भी चलती है कहीं, मतलब थोड़ी चुटकले वगैरह, जैसे एली आपने देखा होगा उसके अंदर जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है जोल, उसके साथ एक एली होती है जो उसकी हेल्प वगैरह करती है और जोल भी उसकी हेल्प करता है। तो गाइज इसके अंदर भी क्या होता है कि एक वायरस है जो आउटब्रेक हो जाता है, जिसके कारण कुछ जो पब्लिक है वहाँ की, जो भी वो एरिया है वहाँ की पब्लिक कुछ ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो जाती है, और कुछ होती है जो क्लिकर्स में कन्वर्ट हो जाती है। जी हाँ, जो गोभी के फूल टाइप में दिखाई देते हैं ना, क्योंकि मैं जब खेलता हूँ ना तो मेरे फ्रेंड वगैरह मेरे साथ बैठे होते हैं, तो क्या होता है कि मतलब वो आ जाते हैं तो मैं कहता हूँ कि भाई वो गोभी के फूल आ गए, गोभी के फूल। तो गाइज उसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, आप एक बारी को ज़ॉम्बीज से तो बच लोगे बट गोभी के फूलों से नहीं बच पाओगे। तो आप जब भी आप लास्ट ऑफ अस खेलो तो मतलब गोली वगैरह लेके चलना, पावर वगैरह, और गोभी के जो फूल है क्लिकर्स उनसे बच के चलना। तो गाइज लास्ट ऑफ अस वन पार्ट आप जरूर से जरूर खेले। अगर आप सोच रहे हैं आपके पास PS5 है तो आप PS5 के अंदर खेल सकते हैं, वरना तो PS4 के अंदर आप रिमेस्टर्ड वर्जन खेल सकते हैं लास्ट ऑफ अस का, ठीक है गाइज। मैं पार्ट टू की बात नहीं कर रहा, कभी बात करेंगे पार्ट टू के बारे में भी, तो अभी तो मैं लास्ट ऑफ अस वन पार्ट की कर रहा हूँ। तो गाइज ये जो गेम आई थी ये PS3 के अंदर तो बहुत पहले रिलीज हो गई थी, बट PS4 के अंदर जो रिमेस्टर्ड वाला आया था इसका पार्ट, वो आया था 2014 के अंदर। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको इसको यूज में या प्री ऑन में लेना है तो आपको ये कितने तक की मिल जाएगी। तो गाइज ये आपको 500 रुपये तक की मिल जाएगी आराम से, क्योंकि बहुत पुरानी गेम है। अगर कोई मतलब कहता है कि नहीं भाई मैं इतने की दे रहा हूँ, मैं ज़्यादा की दे रहा हूँ, तो आप उन्हें थोड़ा बता देना कि भैया बहुत पुरानी गेम है, PS3 में भी आती है, मैं जाऊँ चाहूँ तो PS3 वाली भी खेल के PS3 के अंदर खेल सकता हूँ, मेरे पास PS3 भी है। तो इसलिए आप थोड़ा मतलब कुछ बोल के मस्का मसारा लगा के आप ये वाली गेम ग्रैब कर लेना, सिर्फ और सिर्फ 500 या 400 रुपये में। तो चलिए अब बात करते हैं हमारी दूसरी गेम की, कि गाइस जो हमारी दूसरी गेम होने वाली है वो कौन सी होने वाली है। तो गाइस जो हमारी दूसरे नंबर पे गेम होने वाली है वो गेम तो गाइस वर्ल्ड वाइड ही फेमस गेम है, और गाइस कई लोग जो हैं उनकी उस गेम की स्ट्रीमिंग भी करते हैं, और छोटे से लेके बच्चा बूढ़े तक की उस गेम के फैन हैं। तो ज़रा गैस कीजिए कौन सी गेम की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कौन सी गेम है, दिखाई दे गई आपको? तो गाइज ये गेम है GTA 5। तो गाइज GTA 5 ना 2013 के अंदर रिलीज हुई थी, बट अभी तक भी ये फेमस गेम है, और इसे मैंने क्यों दूसरे नंबर पे रखा है ये भी मैं आपको बता दूँ कि गाइज जब भी मतलब मेरे घर पे भी मेरे मतलब जो रिलेटिव में बच्चे हैं वो मेरे पास आते हैं ना, तो पता क्या कहते हैं, भैया GTA 5 खिला दो, चोर वाली गेम खिला दो। वैसे चोर वाली गेम नहीं है, इसको पता नहीं क्या पिला रखा है चोर वाली गेम,
वो आप खेलते होंगे कि भाई गाड़ी ले ली, ये ले लिया, चोरी कर ली, इधर कर लिया, किसी को मार दिया, बट इसके आप एक मिशन करोगे ना तो गाइस ये बहुत ही अच्छी गेम है, स्टोरी लाइन से खेलो। मैं तो मतलब आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप GTA 5 को स्टोरी लाइन से ही खेलो, जैसे कि मैंने भी खेल लगा 5-6 बार एंड भी कर रखा है। और स्टोरी लाइन से खेलोगे तो आपको एक स्टोरी पता लगेगी, एक मतलब आपकी एक मतलब अटैचमेंट बनेगी इस गेम से, तो आप इसको स्टोरी लाइन से खेलें। और ये बच्चे बच्चे की फेवरेट है, जब भी मैं कभी भी मतलब बाहर व्लॉग शूट करने जाता हूँ तो गाइज कोई भी क्या है ना, कोई गेम ले ना ले GTA 5 जरूर लेता है। तो आप भी अभी तक आपने मतलब GTA 5 नहीं खेली तो आपको मैं कहता हूँ कि मस्ट प्ले, आप जरूर जरूर GTA 5 खेले। वो ऐसे नहीं कि चोर वाले की तरह कहीं गाड़ी ले ली, ये ले ली, बस ले लिया, उड़ा दिया, आप इसको स्टोरी लाइन के तरीके से खेले तो ठीक है गाइस। जैसे कि आपको देख लिया होगा कि दूसरे नंबर पे मैंने इसको रखा है। अब कई लोग आए मेरे को कमेंट करेंगे, नहीं भैया इसको दूसरे नंबर पे नहीं रखना चाहिए, ये तो बहुत पुरानी गेम हो गई है 2013 के अंदर। तो भाई ये ना अभी तक चल रही है, मतलब जैसे मैंने बात करी है ना कि ओल्ड टाइम, तो ये गाइस ओल्ड टाइम वाली गेम है, इसलिए मैंने इसको दूसरे नंबर पे रखा है। तो गाइस एक रीजन और है इसको दूसरे नंबर पे रखने का। अब कई जो हमारे सब्सक्राइबर होंगे वो कहेंगे कि भैया इसको आप पहले नंबर पे भी रख सकते थे, जैसे कि आपने ओल्ड टाइम बोला है प्ले कर, मस्ट प्ले करने के लिए, मतलब ओल्ड टाइम आपने रखी है तो इसको आप पहले नंबर पे भी रख सकते। तो गाइस मैं पहले नंबर पे इसको इसलिए नहीं रखा क्योंकि जैसे कि आपने देखा होगा कि जब एक बार ही ना आप इसको मतलब स्टोरी लाइन से खेल लोगे, मतलब इसके अंदर जो भी आप खेलते हो चोरी चकारी वाली वैसे आप खेल लोगे तो थोड़ा ना बोर होने लग जाओगे। तो मैं भी क्या है कि मतलब थोड़ा बहुत बोर होने लग गया था, और अभी तक इसका मतलब एक जो इसका दूसरा पार्ट है मतलब 6 है उसकी अभी तक पता नहीं लगी, कंफर्मेशन भी अभी तक कहीं से आ नहीं रही, मतलब ऑफिशियली नहीं आ रही। वैसे तो कई भी कईयों ने वीडियोस वगैरह बना रखी है तो भी ऑफिशियली नहीं आई, तो इसलिए मैं थोड़ा डिसपॉइंट होके थोड़ा बहुत मैंने इसको रख दिया दूसरे नंबर पे। ठीक है गाइस, अब थोड़ी बात कर लेते हैं कि अगर हमें ये यूज में या प्री ऑन में लेनी है तो ये हम कितने तक की ले सकते हैं। अब ये भी देख सकते हैं कि यार 2013 की गेम है और 2022 चल रहा है, तो अभी तक इसकी मतलब जो 6 पार्ट है उसका भी पता लग ही नहीं रहा। तो गाइस इसे मैंने इसको दूसरे नंबर पे भी रख दिया। तो अब प्राइस की बात कर लेते हैं कि प्राइस मतलब ये कितने तक की हमको मिलने वाली है अगर हम यूज में या प्री ऑन में लेने की सोच रहे हैं। तो ये गाइस आपको मिलने वाली है सिर्फ और सिर्फ 900 से 1000 रुपये के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। और एक मतलब इसका जैसे कि आपने देखा होगा प्रीमियम एडिशन है, तो ये आपको 900 से 1000 रुपये तक में मिल जाएगी। इसके एक नॉर्मल एडिशन भी आता है, वो आप देख लेना, 700 से 800 रुपये में वो आपको मिल सकती है अगर आप यूज़ में ले रहे हैं। तो अगर आप इसको क्या है कि न्यू लेने की सोच रहे हैं तो आप न्यू भी ले सकते हैं, उसके अंदर एक फ़ायदा होता है कि इसके एक जो कोड वगैरह होते हैं वो भी आपको न्यू में लोगे तो आपको न्यू के अंदर वो कोड मिल जाएंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे ऑनलाइन गेम प्ले करने के अंदर, क्योंकि PS4 के अंदर अभी ऑनलाइन गेम चलती है तो आप न्यू भी ले सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप न्यू भी ले सकते हो इस गेम को, तो न्यू लोगे तो न्यू आपको 1200-1300 के अराउंड आपको मिल जाएगी। चलिए गाइज अब जैसे दूसरे गेम की बात तो हो गई है, अब बात कर लेते हैं हमारी पहली गेम की बात कि हम मैंने आपके लिए पहले नंबर पे गेम कौन सी रखी है। तो जरा गैस कीजिए कि पहले नंबर पे गेम कौन सी हो सकती है, उस करिए गैस और कमेंट कीजिए मेरे को, और भी कोई आपके डाउट वगैरह हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मैं आपको पहले नंबर की गेम भी दिखा देता हूँ कि पहले नंबर पे गेम मैंने कौन सी रखी है। तो वो भी पता है कौन सी है, रॉकस्टार वालों की गेम है ये, आप देख सकते हैं रेड डेड रिडेम्पशन 2। तो गाइज ये जो रेड डेड रिडेम्पशन 2 है ये गाइज बहुत ही अच्छी गेम है, और गाइज ये जो गेम आई थी ये आई थी 2018 के अंदर। इसके अंदर जो हमें प्रोटैगनिस्ट मिलने वाला है वो आप देख सकते हैं, मतलब जो पोस्टर पे है मतलब एक आदमी, तो ये आदमी हमारा प्रोटैगनिस्ट होगा। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं खेला जो Xbox और PS3 में आया हुआ है तो आप वाली भी प्ले कर सकते हैं, और अगर आपने वो पार्ट खेल लिया तो आप गाइज ये जो दूसरा पार्ट है इसे भी मस्ट प्ले कीजिए। इसे मैंने पहले नंबर पे क्यों रखा, क्योंकि गाइज जो इसकी स्टोरी है ना गाइज बहुत ही अच्छी स्टोरी है, मतलब जो इसका गेम का एनवायरनमेंट है, ग्राफिक्स हैं, वो भी आप देखोगे ना तो आपको मतलब बहुत ही अच्छा लगेगा, और गेम प्ले करना भी बहुत ही स्मूथ गेम प्ले है, गन वगैरह, फाइटिंग वगैरह, एक्शन एडवेंचर में जो गेम नंबर 1 पे है वो अभी तक की आप देख सकते हैं रेड डेड रिडेम्पशन ही है। अगर आप IGN की मतलब साइड पे भी जाओगे तो आपको रेड डेड रिडेम्पशन ही मिलने वाली है नंबर 1 के अंदर। तो गाइज मैं भी आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप ये वाली गेम मस्ट प्ले कीजिए,
जैसे कि आप देख सकते हैं गाइज। अब इसकी बात कर लेते हैं कि ये हमें कितने तक की मिलने वाली है। तो गाइज ये जो गेम है ये हमको मिलने वाली है 1000 रुपये से 1200 रुपये के अराउंड आपको मिल जाएगी ये प्री ओन में, ठीक है गाइज। अगर आप न्यू लेने की सोच रहे हैं तो न्यू तो गाइज थोड़ी ऊपर ही जाएगी, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये वाली गेम क्या है कि प्री ओन में ले सकते हैं, ठीक है गाइज। जैसे कि आप देख सकते हैं रेड डेड रिडेम्पशन 2, और ये सिंगल प्लेयर गेम है। जैसे कि ये जो रॉकस्टार गेम वाले हैं वो मतलब सिंगल प्लेयर ही गेम बनाते हैं, जैसे कि GTA 5 भी सिंगल प्लेयर गेम है और ये वाली भी सिंगल प्लेयर गेम है। तो गाइज बात तो हो गई है नंबर 1 गेम की भी, और सारी गेम्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और गाइज हमें ऐसे ही सपोर्ट कीजिए, जैसे कि आपको एक थैंक्स बटन भी दिखाई दे रहा होगा तो आप थैंक्स बटन करके वो कमेंट भी कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा कि आपका जो कमेंट होगा वो हाईलाइट होगा और मुझे पता लगेगा और कुछ मेरे को आप सपोर्ट कर पाओगे, जिससे कि क्या है कि मैं कुछ एक अच्छी चेयर बाय कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे नीड है चेयर की। तो जाइए गाइज सपोर्ट कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट किसी एपिसोड या ब्लॉग के साथ। तो बने रहें चैनल पे सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा के। तो चलिए फिर गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर या एपिसोड के अंदर, जब तक के लिए बाय बाय टाटा सी यू। और मैं तो चला फिर गेम खेलने के लिए, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा PS4 मेरा चालू है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर या एपिसोड के अंदर, अभी तो गेम खेलते हैं।